हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कोन बनाना सिखाने वाली हूँ कि कोन कैसे रेडी करते हैं, कोन में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होने वाले हैं, या कोन बनाने से पहले कोन के रैपर्स की क्या साइज़ होती है, वो सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में हीना पेस्ट बनाना सीखा था, उसमें मैंने ऑर्गेनिक हीना पाउडर यूज़ किया था जो ट्रिपल फिल्टर था। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वन फिल्टर टू फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो। जो सेम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, वही सेम प्रोडक्ट आपको चाहिए ट्रिपल हीना पाउडर, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कौन बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हीना पेस्ट, सेकंड सीजर, फिर ये है जेलेटिन पेपर, फिर ये प्लास्टिक का बैग है, वो टेप एंड टेप कटर। ये प्लास्टिक का बैग है जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी साइज़ का आप यूज़ कर सकते हो, वो मेहंदी के पेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। हीना पेस्ट है वो हम लोग इसमें प्लास्टिक के कैरी बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। आप लोग अपना पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि ये हीना पेस्ट मैंने इस पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर दिया है, अभी इसको फिट कैसे करना है रबड़ बैंड से। पूरा जो आपका मेहंदी पेस्ट है उसको आपको इस तरीके से पूरा नीचे जमा कर देना है ताकि कैरी बैग जो है आपका ख़राब ना। अब इस तरीके से आपको पैक करना है। इस पे रबर बैंड लगा रही हूँ। ये वाला जो हिस्सा है इसको भी आपको पैक कर देना है ताकि आपका अगर रबड़ बैंड लूज़ है तो मेहंदी आपकी बाहर ना आए, रबड़ बैंड आपको एकदम फिट करना है। तो इस टाइप की एक आपको मेहंदी की पोटली जैसा ये बना के रख लेना है। बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले जो मैंने रेपर की जो साइज़ है, ये जो इसकी विथ है मैंने 6.5 इंच रखी है और ये जो हाइट है 4.5। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको वन फोल्ड ऐसे करना है, देन वन फिंगर आपको यूज़ करनी है, उसके बाद में थंब से इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी पूरा। फोल्ड करने के बाद जो मेरा यहाँ से इस तरीके से रैपर का जो दिख रहा है लास्ट कॉर्नर, वहाँ पे आपको टेप इस तरीके से लगाना है। ऐसे लगाने के बाद आप कोन को पूरा इस से कवर करो। यहाँ पे जो मैंने टेप यूज़ की है वो एक इंच की टेप यूज़ की है। सेकंड, एक टेप मैं यहाँ पे अंदर की साइड यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कि जैसे ही मैं हीना पेस्ट इसमें ऐड करूँगी तो आगे का जो पॉइंट है वो बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेप का यूज़ किया है। ये मेरा जो कोन है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें हीना पेस्ट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो मैं बताती हूँ। सो सबसे पहले हम लोग ये हीना पेस्ट है, यहाँ पे जो आपका कॉर्नर दिख रहा है इसको सीजर से हम लोग इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ से छोटा सा आपको कट करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बड़ा करोगे तो हीना पेस्ट आपका कौन से बाहर आ सकता है, ये इतना सा आपको होल रखना है। फिर ये जो मेरा कॉन है मैं इस तरीके से उसको पकड़ूँगी, उसमें जो ये हीना पेस्ट है इस तरीके से मैंने हीना पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको हैंड से इस तरीके से पूरा हीना पेस्ट ऐड करना है, पुश करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं फाइनल एक टेप यूज़ करती हूँ,
ताकि जो अगर एक्स्ट्रा मेरा मटेरियल अगर इसमें ऐड हुआ है तो वो कौन से बाहर ना आए। ठीक है, अब हम लोग इसको फोल्ड करते हैं कि पैक कैसे होगा। ये यहाँ से फोल्ड किया मैंने, वन फोल्ड, टू, थ्री एंड फोर। यहाँ पे मैं एक टेप लगाती हूँ, सेकेंड फोल्ड, देन एक टेप का यूज़ किया है। जब आप जैसे टेप लगाओगे कोन के ऊपर तो नीचे आपको कोई भी वेस्ट क्लॉथ या बाउल या कोई भी आप पेपर यूज़ करो ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उसके ऊपर निकले। जैसे देखो मैं टेप लगा रही हूँ वैसे ये मटेरियल ऐसे निकल रहा है। सेकेंड ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर मैंने एक टेप यूज़ की है, इसको मैं यहाँ से फोल्ड करती हूँ। दोनों साइड से मैंने टेप को कवर किया है। फाइनल टेप जो मेरी रहेगी वो हिना कोन के ऊपर रहने वाली है। सो ये देखो आप मटेरियल देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है। इतना टाइट आपको बनाना है कोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जैसे मेरा कोन रेडी हो गया है, कुछ लोग क्या करते कि पॉइंट नहीं रखते और फिर आगे से सीजर से कट करते हैं तो उससे आपका फिनिशिंग में एकदम से प्रॉब्लम आने वाला है। सो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले से ही आपको इसका पॉइंट रखना है। जो ऑटोमेटिक देखो ये मेरी मेहंदी का जो पेस्ट है ये निकल रहा है, तो मैंने सीजर से इसको कट नहीं किया, मैंने पहले से इसका पॉइंट रखा है। सो आपको ऐसा ही यूज़ करना है। सो ये मेरा हिना कोन रेडी हो गया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बिग हिना कोन यूज़ करना है, स्मॉल करना है, आप वैसा यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे स्मॉल कोन यूज़ करती हूँ। अभी इसको मैं पैक करने वाली हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है, जब मुझे यूज़ करना होगा तब मैं इसको वापस से निकाल सकती हूँ। तो ये मैंने टेप ली है, यहाँ पर इस तरीके से रखा है, आप देख सकते हो ऐसे। फिर मैं यहाँ से ऐसे प्रेस करती हूँ तो ये मेरा जो पॉइंट है वो पैक हो गया। अब जो हिना का जो मटेरियल है वो यहाँ से नहीं निकलेगा। आपको कौन यूज़ करना है तब हम लोग इस टेप को इजीली इस तरीके से निकालेंगे। आपको ज़ोर से खींचना नहीं, अगर आपने ऐसी गलती की खींचने की तो हमारा जो पॉइंट है वो बंद हो सकता है। तो एकदम ईजीली से आपको इसको रिमूव करना है टेप को, फिर पॉइंट को आप क्लियर करो। आप देख सकते हो कि देखो मेरा जो मेहंदी का पेस्ट है वो कितना ईजीली यहाँ पर निकल रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले।